तो गाइस आप देख सकते हैं ये मिट्टी के बर्तन है और ये ट्रेडिशनल बर्तन को कहलवा जाता है। आप देखें किस तरह ये इन्होंने ट्रेडिशनल बर्तन सजाए हुए हैं। गाइस यहाँ पे देखें ये किस्मत का हाल जानने के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं भिटशा सिटी के अंदर। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो सिंध का सूफ़ी शायर है, अजीम शायर है, उसके मज़ार पे हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको उनकी मज़ार भी दिखाएंगे और भिटशा सिटी का जो है टूर भी करवाएंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको टूरिस्ट वीडियोज़ या ट्रैवलिंग वीडियोज़ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस अभी हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे देखें आप छोटा सा मिनी झील बनाया हुआ है और यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह भी चलाते हैं। आज इतवार का दिन भी है, रश भी कम है बहुत और मेला वगैरह नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे रश कम है। वरना ज़्यादातर जो है मेले के दिनों में या थर्सडे को यहाँ पे रश ज़्यादा होती है लोगों की। और ये आप देख सकते हैं कि ये स्टेचू बना हुआ है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का। तो गाइज अभी हम आपको सिटी का व्यू दिखाते हैं और यहाँ की बाज़ार भी है वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे ट्रेडिशनल जो चीज़ें मिलती हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो स्किप मत करें, इंशाल्लाह वीडियो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइज यहाँ पे देखें ये किस्मत का हाल जानने के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये शुभ शुभ वाली सरकार के जो हैं वो मुरीद हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के ट्रेडिशनल जो है ये बर्तन है। आप देखें किस तरह ये इन्होंने ट्रेडिशनल बर्तन सजाए हुए हैं। ये देखें यहाँ की एक ख़ास बात ये है कि हर चीज़ सिंध की सकाफत के हवाले से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आप यहाँ पे ख़रीदारी भी कर सकते हैं। ये देखें फ्रूट पड़े हुए हैं। ये बच्चे को खिलौने, यहाँ पे खजूरें वगैरह बिक रही हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे मिलेगी मिठाई है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मिट्टी के बर्तन हैं और ये ट्रेडिशनल बर्तन को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिंध की सकाफत है। और पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे और इन बर्तनों में खाने पीने का ये फ़ायदा है कि इसमें बीमारी वगैरह नहीं लगती और ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से ये इन्होंने बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये मिठाई वगैरह है, यहाँ पे हलवा वगैरह रखा हुआ है, ये बच्चों के खिलौने हैं, यहाँ पर एक प्याला है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तंबूरा बना हुआ है, तो उनकी याद में ये तंबूरा बनाया हुआ है और उनकी पहचान है। और ये सामने आप देख सकते हैं ये होटल है। अभी हम जा रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार की तरफ। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। ये देखें यहाँ पे ये पुलिस वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हम भी बढ़ रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की बाज़ार की तरफ। वो दोस्त सारे हमारे साथ हैं। यहाँ पे भी देखें आसपास में बाज़ार है, बाज़ार का भी आपको व्यू दिखाते हैं, मगर पहले हम जो है वहाँ पे दिखाते हैं बाज़ार की तरफ। और ये देखें यहाँ पे लोग इस तरह ये धागे वगैरह भी बेच रहे हैं। ये बाजारें हैं। ये बाजारें
ये हमारे सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ आए हुए। उमर भाई, आप शाहब लतीफ बिटाई की मज़ार पे कितने मरतबा आ चुके हो? तीन चार मरतबा। अमजद भाई, आप कितने मरतबा आए हो? दो मरतबा। आप कितने मरतबा आए हो? दो मरतबा आए हो। ठीक है। तो गाइस, अभी हम चलते हैं अंदर। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अगर यहाँ पे कैमरा अगर अलाउ होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, वरना अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो जूते फ्री में होते हैं, रखे जाते हैं, संभाले जाते हैं यहाँ पे, ताकि गुम नहीं हो जूते। और यहाँ पे टोकन दिया गया हमें। अभी हम चलते हैं मज़ार की तरफ। ये देखें सिक्योरिटी कितनी टाइट है, और यहाँ पे पुलिस वाले एहलकार भी यहाँ पे खड़े हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। और लोग देखें किस तरह यहाँ पे जा रहे हैं, हम भी चाहते हैं आगे। तो फाइनली हम जो है वो चेकिंग वगैरह करवा के इंटर हो चुके हैं। और ये अब देखें यहाँ पे सबील, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का आलम पाक। और यहाँ पे सामने ये मज़ार है, और मज़ार के बाहर की तरफ, और ये सहन है सारा मज़ार का। तो हम आपको मज़ार भी दिखाएंगे, अंदर लेके जाते हैं। पहले आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं कि बाहर का व्यू किस तरह है। और ये आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे लोग यहाँ पे किस तरह बैठे हुए हैं। और अभी रश कम है, वरना जुमेरात वाले दिन यानी थर्सडे को यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। और ये हमारे साथ सारे दोस्त मौजूद हैं, तो हम भी जाते हैं आगे, अंदर चलें जी। तो गाइस, आपको सबसे पहले आप दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो है हवेली थी, और जिसको यहाँ पे अभी इन्होंने एक मज़ार टाइप पे बना दिया है। अभी ये क्लोज है, और ये तख्तगाह जिसको बोला जाता है हवेली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये टोटल हिस्ट्री है जो सिंधी के अंदर लिखी हुई है। और ये टोटल सहन है, ये सहन है अंदर का। आपको मैं कोशिश करूँगा कि व्यू दिखा दूँ। ये तख्तगाह है, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से अंदर जाएं, अंदर का व्यू दिखाएं आपको। तो गाइस, ये वज़ू खाना है, और उसके बराबर में ये मस्जिद है। मज़ार के बाद बराबर में मस्जिद है, और यहाँ पे ये वज़ू खाना है। तो हम सबसे पहले वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ अदा करने के बाद जो है हम आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये देखें ये मस्जिद है, और सारे लोग यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं। और ये वज़ू खाना है। तो दोस्तों, फाइनल हमने जो है नमाज वगैरह अदा कर ली। अभी हम मज़ार के अंदर चलते हैं, और आपको मज़ार के अंदर का हिस्सा दिखाते हैं। तो अब जैसे ही इंटर होंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की मज़ार है। तो गाइस, यहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार थी, और अभी हम चलते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद साहब की मज़ार पे, और उनकी ज़्यारत करवाते हैं। हज़रत शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार में चलते हैं, और वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं।
गाइस ये थी शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का वालिद साहब है। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ये मज़ारात हैं, उनकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मगर ये इनके नज़दीकी जो है खुलफा है और अजीज़ वकारिब हैं, उनकी मज़ारात हैं। और हम चलते हैं, ये दूसरा रोज़ा है वो भी हम मालूम करते हैं कि ये किसका है। ये देखें, तो गाइस अंदर भी चले। और इस मज़ार का मुझे पता नहीं है, इसी वजह से मैं आपको इसकी नॉलेज नहीं दे सका। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये किस की मज़ार थी। और हम चलते हैं अभी, देखते हैं। ये काफ़ी जो है अहले तशय्यो के बड़े आलिम थे और ज़ाकिरीन के, उनकी मज़ारात हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मज़ारात हैं। और ये चारों तरफ आप यहाँ का आता देख सकते हैं कि किस तरह ये बना हुआ है। बाकी आपको चलते हैं दिखाते हैं आगे का व्यू। आई होप के आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। अभी आपको दिखाते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का राग है, वो राग सुनाते हैं आपको। तो गाइस अभी चलते हैं हम बाहर, और बाहर की आपको तो मार्केट जो है वो विज़िट करवाते हैं कि मार्केट किस तरह है यहाँ की। तो गाइस अभी हम चलते हैं, चप्पलें वगैरह लेते हैं वापसी, और उसके बाद हम जो है आपको मार्केट विज़िट करवाते हैं। भाई अभी हम चलते हैं आपको मार्केट में विज़िट करवाते हैं। ये हमारे दोस्त मिल गए भाई, आप घूम फिर रहे हो मुर्तज़ा भाई, मज़ा आ रहा है? अच्छा, तो कितने बजे निकले? 3:30 4:30 कर लेंगे, टेंशन नहीं। हाँ हाँ सही है। तो गाइज अभी हम चलते हैं, ये देखें यहाँ पे बाजार है। आप यहाँ से मिठाई वगैरह खरीद सकते हैं, और इसके अलावा जो भी ख़रीदारी है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब्ज़ी मार्केट है और गोश्त मार्केट है यहाँ की। और यहाँ पे लकड़ी की शॉप है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम अपने चैनल पे ट्रैवलिंग व्लॉग के हिसाब से वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग के हिसाब से वीडियोस पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई जगह नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।